नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA द्वितीय वर्ष के छात्रों है तो इतिहास विषय की होगी। इतिहास विषय के दौरान आज हम पढ़ने वाले हैं फिरोज शाह तुगलक, जो तुगलक वंश के शासक है, 1351 से 88 ईस्वी तक शासनकाल रहता है। उनके अंतिम दिनों के बारे में और उनकी मृत्यु किस तरीके से होती है और उनके चरित्र का मूल्यांकन हम करेंगे। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के अंतिम दिनों के बाद। उनके बारे में सारी जानकारी हमने पढ़ ली है, सैन्य अभियान है और राजस्व व्यवस्था है, धार्मिक नीतियों और उनका उल्लेख करते हुए आज हम फिरोज शाह तुगलक का जो चैप्टर है वो समाप्त करेंगे। तो फिरोज शाह तुगलक के जो अंतिम दिनों की बात की जाए, उनकी मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु 1388 ईस्वी में होती है, 20 सितंबर 1388 ईस्वी में, और किन परिस्थितियों में कैसे उनका अंतिम समय गुजरता है इसके बारे में आज हम अध्ययन व चर्चा करेंगे। तो अंतिम दिनों की बात की जाए तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी के भी अंतिम दिन कष्टप्रद रहते हैं और मोहम्मद बिन तुगलक के भी अंतिम दिन कष्टप्रद रहते हैं, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक की भी मृत्यु वहाँ पे सिंध थट्टा में होती है और वहीं पे इसका सिंहासनारोहण होता है और इसे राजगद्दी पे बैठाया जाता है, सुल्तान बनाया जाता है। तो जिस तरीके अलाउद्दीन खिलजी का जीवन कष्टप्रद था और मोहम्मद बिन तुगलक का भी कष्टप्रद था, उनके बीवी बच्चों ने उनके साथ, अलाउद्दीन खिलजी के साथ बात की जाए तो ज़्यादतियाँ की और उनकी सेवा नहीं की। तो इस वजह से इस तरीके से देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक का भी अंतिम समय काफ़ी कष्टप्रद रहता है। अगर शुरुआती दौर की बात की जाए, अंतिम समय में फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया गया कि मेरी मृत्यु के पश्चात दिल्ली के सिंहासन पे तख्त पे कौन बैठेगा, फतेह खां बैठेगा। लेकिन संयोग से क्या होता है, 1374 ईस्वी में फतेह खां की मृत्यु हो जाती है और यह सुल्तान को गहरा सदमा लगता है। लेकिन इस सदमे के पश्चात भी सुल्तान को और सदमा लगता है। बात की जाए तो अपने इस पुत्र की मृत्यु के पश्चात, फतेह खां की जब मृत्यु हो जाती है तो अपने दूसरे पुत्र जफर खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। किसके द्वारा? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। लेकिन कुछ समय पश्चात इसकी भी, जफर खान की भी मृत्यु हो जाती है दूसरे पुत्र की। तो ये गया सुल्तान जो है, फिरोज शाह तुगलक को गहरा सदमा लगता है और ये अपने इस पुत्र की मृत्यु के पश्चात जो जफर खान है, अपने तीसरे पुत्र है जो, उसको युवराज घोषित किया जाता है और अपना उत्तराधिकारी बनाया जाता है। और इस मोहम्मद खां की बात की जाए तो इसमें काफ़ी उतावलापन था और ये प्रज्ञा दुर्बल शासक था। ये अपने पिता के साथ साथ शासन करने लगता है और ये जो अपने उतावलेपन की वजह से एक वजीर, जो वजीर था, विश्वसनीय वजीर था फिरोज शाह तुगलक की, उसकी हत्या इसके द्वारा करवा दी जाती है, क्योंकि वह उसके सिंहासन पर बैठने पर, तख्त पर बैठने पर एक बाधा था और उस बाधा को हटाने के लिए मोहम्मद खां के द्वारा वजीर की हत्या करवा दी जाती है दिल्ली सल्तनत के। और नासिरुद्दीन मोहम्मद के नाम से ये दिल्ली के तख्त पर बैठता है, सिंहासन पर। कुछ समय के दौरान तो अपने पिता के साथ साथ शासन संचालन करता है मोहम्मद खां, लेकिन कुछ समय पश्चात इसमें भोग विलास की प्रवृत्ति आ जाती है और ये राजकीय कार्यों से विमुख हो जाता है और कार्यों के प्रति जो ध्यान नहीं देता। इस वजह से अमीरों वर्ग के साथ भी इसका आचरण अच्छा नहीं रहता है, ये बुरा आचरण करने लग जाता है। इस वजह से अमीर वर्ग के द्वारा इसका विरोध किया जाता है, उलेमाओं के द्वारा, और फिरोज शाह तुगलक की मदद से इसे दिल्ली से जो बाहर निकाल दिया जाता है, मोहम्मद खां को दिल्ली से बाहर निकाल, इसका आचरण भी अच्छा नहीं रहता है, जिस वजह से फिरोज शाह तुगलक को काफ़ी जो सदमा अंतिम समय में पहुंचता है। अब बात की जाए तो जब मोहम्मद खां को भी दिल्ली से निकाल दिया जाता है तो उसके पश्चात किसको उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है? तो अब फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने पुत्र को, न कि पुत्रों को, अपने पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। गियासुद्दीन तुगलक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है। ये फतेह खां का पुत्र होता है, जो पहला पुत्र होता है उत्तराधिकारी, उसकी मृत्यु होने के पश्चात जब दूसरे पुत्र को उत्तराधिकारी किया, तीसरे को किया, लेकिन तीनों ही अयोग्य निकल जाते हैं, तो अपने पुत्र गियासुद्दीन तुगलक को, जो फतेह खां का पुत्र था, उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। हालांकि इसे उत्तराधिकारी घोषित करने के पश्चात सुल्तान की वृद्धावस्था में 20 सितंबर 1388 ईस्वी को 80 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाती है। हालांकि ये गियासुद्दीन जो तुगलक शाह, ये भी अयोग्य शासक ही निकलता है। परवर्ती तुगलक शासकों के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे और उनका कोई ज़्यादा बड़ा चैप्टर अपने को देखने को नहीं मिलता है, जो आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फिरोज शाह तुगलक की, जो मृत्यु होगी उसके पश्चात हम फिरोज शाह
तुगलक का जो चरित्र है उस चरित्र का मूल्यांकन हम करेंगे। चरित्र मूल्यांकन जो है कैसा रहता है, किस तरह का व्यक्तित्व था इसका और क्या क्या काम इसने सही किए क्या गलत किए, और एक जो शासक योग्य शासक की तरह ये था या नहीं था, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बात करते हैं व्यक्तिगत चरित्र को लेकर जो इतिहासकारों में आधुनिक इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकार इसे सही बताते हैं तो किस इतिहासकारों के द्वारा इसके व्यक्तित्व की घोर निंदा की जाती है। अगर समकालीन इतिहासकारों में बात की जाए तो बर्नी और अफीफ, जियाउद्दीन बर्नी हमने जो पढ़ा था और शमसे सिराज अफीफ, दो समकालीन इतिहासकार रहते हैं तुगलक वंश में, और इनके द्वारा जो इसके चरित्र के बारे में उल्लेख किया गया तो उनके द्वारा बात की जाए तो मोहम्मद फिरोज शाह तुगलक की काफ़ी प्रशंसा, भूरी भूरी प्रशंसा इनके द्वारा की गई है। और इन्होंने जो दयालु न्यायप्रिय व उदार शासक इसको फिरोज शाह तुगलक को कहा है और एक आदर्श शासक बताया दिल्ली सल्तनत। हालांकि बात की जाए तो तत्कालीन इतिहासकारों के द्वारा जो दरबारी इतिहासकार थे उनके द्वारा जो ये बातें लिखी गई है ये किसी तरह के दबाव में लिखी जाती है और वह अपने जिस सुल्तान की शरण में रहते हैं उसकी प्रशंसा उनके द्वारा दरबारी इतिहासकारों के द्वारा की जाती है। इन बातों पे विश्वास नहीं किया जा सकता आँख मूंद कर, क्योंकि इतनी जो दयालुता और न्यायप्रियता इन्होंने बताई है, जो उदारता, जो प्रशंसा की आदर शासक था, ये गुण इसमें फिरोज शाह तुगलक में अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए इसके चरित्र का तो अपने को देखने को नहीं मिलते। पूर्ववर्ती इतिहासकारों में बात की जाए तो हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन जो इतिहासकार हैं, आधुनिक इतिहासकार, इन्होंने कहा है कि सल्तनत काल का अकबर था हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन ने ये फिरोज शाह तुगलक के बारे में कहा है। क्योंकि फिर अकबर की जो धार्मिक नीतियों सभी धर्मों के प्रति उसका सम्मान और सद्भाव जो देखने को मिलता है उसे देखते हुए इन्होंने उससे इसकी तुलना की। हालांकि अगर इससे देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक तो बहुत ही धर्मांध शासक था, गैर मुस्लिम में जो व्यक्तियों के साथ उसके द्वारा अत्याचार किया गया, हिंदू शासकों के साथ ले लो और यहाँ तक नहीं जो गैर सुन्नी थे मुसलमान उनके साथ भी अत्याचार किया जाता, तो यहाँ पे जो अकबर के साथ तुलना करना जो प्रतीत है सही प्रतीत नहीं होता है। इसी वजह से जो स्मित जो इतिहासकार आदिल का उन्होंने कहा है कि अकबर से अगर फिरोज शाह तुगलक की तुलना की जाती है तो ये सबसे बड़ी मूर्खता उन्होंने कहा है। इस बात का खंडन इनके द्वारा स्मित के द्वारा किया जाता है। अब बात की जाए उसके समकालीन जो अगर उसके शासक शासन संचालन के बारे में देखा जाए तो आर्थिक उन्नति की बात किसी भी शासक के राज्य के चरित्र का मूल्यांकन करते हुए उसके दौरान जो आर्थिक स्थिति किस तरह की रहती है उसी के दौरान इस शासक के बारे में पता चलता है। तो अगर आर्थिक स्थिति की बात की जाए तो आर्थिक उन्नति फिरोज शाह तुगलक के समय में देखने को काफ़ी मिलती है। जनता किस तरीके से जो आर्थिक उन्नति करती है, तो अगर बात की जाए तो इसके काल में कृषि क्षेत्र में ज़बरदस्त विस्तार देखने को मिलता है, कृषि कार्य में, व्यापार वाणिज्य में, ये जो उन्नति अपने को फिरोज शाह तुगलक के काल में देखने को मिलती है। तो इस वजह से अगर इस तरीके से देखा जाए, आंकलन किया जाए तो इस कारण से इसका शासनकाल तो अच्छा जाता है। और उसके अलावा अगर सैन्य अभियानों के बारे में बात की जाए तो इसके अधिकतर सैन्य अभियान असफल रहते हैं और इसके द्वारा जो मजबूरी में ही सैन्य अभियान किए जाते हैं, चाहे बंगाल का सैन्य अभियान ले लो और जादनगर और नगरकोट हिंदू शासकों के विरुद्ध उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए इसके द्वारा सैन्य अभियान किए जाते हैं, ये इसके सैन्य अभियान मुख्यतः असफल ही रहते हैं। चाहे सिंध का सैन्य अभियान इसके द्वारा किया जाता है वो भी असफल रहता है। अब इसे धर्मांध शासक कहा गया, धर्मांध क्योंकि ये इस्लाम का कट्टर समर्थक था और अन्य धर्मों के प्रति इसकी जो धारणा थी वो काफ़ी गलत थी, इसी कारण से इसे धर्मांध शासक कहा। अगर आपको पता होगा तो पीछे हमने धार्मिक नीति के दौरान भी अध्ययन किया था कि ये जो बाकी धर्मों के जो लोग थे उनके साथ जो क्रूर व्यवहार करता था और अत्याचार करता, यहाँ तक कि जो गैर सुन्नी मुस्लिम थे शिया मुसलमान उनके खिलाफ भी इसके द्वारा अत्याचार किए जाते हैं। तो ये धर्मांध शासक का जो इसे यहाँ पे टेग दिया जाता है। अब बात करते हैं डॉक्टर यू एन डे है एक इतिहासकार, इनके द्वारा कहा गया है कि ये जो है फिरोज शाह तुगलक है
फिरोज शाह तुगलक क्या असली चेहरे को छिपाने में बहुत बड़ा जो सक्षम व्यक्ति था और दिखावे में जो दिखावा ढोंग करने में काफ़ी निपुण था और ये इस्लाम धर्म के नियमों का पालन करने का ढोंग करता। अगर देखा जाए तो ये सूरापान मदिरापान नृत्य और संगीत जो इस्लाम के विरुद्ध है उनका भी आनंद लिया करता था। ये डॉक्टर यू एन डे के द्वारा कहा गया है और इसे जो ये काफ़ी धूर्त इनके द्वारा बताया गया है ये यू एन डे के द्वारा कि ये सिर्फ एक दिखावा था, फिरोज शाह तुगलक का छलावा था उलेमा वर्ग को खुश करने के लिए और अपनी जो अयोग्यता को छिपाने के लिए फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इस तरीके का जो दिखावा किया जाता है। अगर मूलतः सारांश की बात की जाए सभी जो इतिहासकारों का और आकलन करते हुए तुलनात्मक अध्ययन करते हुए तो यही बात मानने को आती है कि न तो फिरोज शाह तुगलक सफल शासक था और न ही उच्च कोटि का आदर्श शासक रहता। यह तो उसकी खुश नसीबी रहती है कि उस समय मंगोल शासकों का आक्रमण नहीं होता है और उसे योग्य और सुयोग्य वजीर उसके शासनकाल में उसे मिल जाते हैं और उन योग्य वजीरों के द्वारा ही उसके समय में शासन संचालन किया जाता है और उसने अपने वजीरों पर सारा कार्यभार सौंप दिया था। अगर आपको पता होगा तो बात की जाए सिंध अभियान के द्वारा भी जो वजीर के द्वारा ही सहायक सेना सुल्तान के पास भेजी जाती है और वह 6 महीने के पश्चात किसी तरह के समाचार दिल्ली तक नहीं पहुंच पाते तो ये सुल्तान की काबिलियत नहीं दर्शाते हैं, ये सुल्तान की अयोग्यता फिरोज शाह तुगलक की अयोग्यता दर्शाते हैं। और मूलतः इतिहासकारों ने यही माना है जो फिरोज शाह तुगलक के कार्यों और नीतियों के कारण ही तुगलक वंश का पतन हुआ था क्योंकि उसके द्वारा ही कट्टर इस्लाम की जो प्रवृत्ति अपनाई गई थी इस वजह से तुगलक वंश का पतन हुआ और तुगलक साम्राज्य का पतन का जो उत्तरदायी फिरोज शाह तुगलक को ही ठहराया जा सकता है। तो विद्यार्थियों आज हमने जो तुगलक वंश के शासक है गियासुद्दीन तुगलक को संपूर्ण पढ़ लिया है, सॉरी गियासुद्दीन नहीं फिरोज शाह तुगलक को, गियासुद्दीन तुगलक को हम पहले भी पढ़ चुके थे, उसके पश्चात हमने मोहम्मद बिन तुगलक को पढ़ा और उसके पश्चात हमने फिरोज शाह तुगलक, यही जो तुगलक वंश के 3 महत्वपूर्ण शासक रहते हैं और इनके परवर्ती शासकों का ज़्यादा उल्लेख अपने को देखने को नहीं मिलता है, और उनकी क्लास एक दिन की क्लास ही होगी अपने परवर्ती शासकों। उसके पश्चात हम अन्य जो सल्तनत वंश है गुलाम तुगलक सैयद लोधी है जो उनके बारे में, गुलाम है खिलजी हमने पढ़ लिया है, तुगलक पढ़ लिया है, हमने सैयद लोधी वंशों के बारे में पढ़ेंगे, उसके पश्चात मुगल काल की शुरुआत करेंगे और उसके से पहले अपन प्रांतीय राज्यों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हमने फिरोज शाह तुगलक के अंतिम दिनों और मृत्यु के बारे में पढ़ा। 1388 ईस्वी में 20 सितंबर 1388 ईस्वी में 80 वर्ष की आयु में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु हो जाती है और उसके अंतिम समय काफ़ी कष्टप्रद रहता है और निराशाजनक भी रहता है। बात की जाए तो अपने पहले जो पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया उसकी मृत्यु हो जाती है 1374 फतेह खां में, उसके पश्चात जफर खां को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया जाता है उसकी भी मृत्यु हो जाती है अकस्मात, और मोहम्मद खां को जो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया ये उसका अयोग्य पुत्र रहता है। उसके पश्चात वह अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है गियासुद्दीन तुगलक को और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है 20 सितंबर 1388। हालांकि आगे पढ़ेंगे तो ये भी उसका उत्तराधिकारी अयोग्य ही सिद्ध रहता है और उसके चरित्र के बारे में और उसका मूल्यांकन हमने किया है और कई इतिहासकारों में व्यक्तिगत चरित्र को लेकर आधुनिक इतिहासकारों में मतभेद है कि कई विद्वान इसे अच्छा बताते हैं कई इसे बुरा भी बताते हैं। तो ये सब हमने जो तत्कालीन इतिहासकार बर्नी और रफीफ के द्वारा इसकी प्रशंसा करते हुए आदर्श शासक बताया गया, वहीं हेनरी इलियट और एल्फिंस्टन के द्वारा भी सल्तनत का इसे अकबर भी कहा गया है, लेकिन इस्मत ने इस मत का खंडन करते हुए इसे कहा कि अकबर से तुलना करना फिरोज शाह तुगलक की ये मूर्खता बताया है। और इसके समय फिरोज शाह तुगलक के समय में जो नहरों का निर्माण है, कृषि का विस्तार अपने को देखने को मिलता है, आर्थिक उन्नति भी देखने को मिलती है और इसके द्वारा कई कल्याणकारी कार्य, बात की जाए तो गरीब जो मुस्लिम परिवारों की लड़कियों के विवाह किए, रोजगार कार्यालय इसके द्वारा खोले जाते हैं, कई काम इसके द्वारा अच्छे किए जाते हैं, लेकिन ओवरऑल इसका जो तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो ये एक असफल शासक ही रहता है। इसके असफल ही सैन्य अभियान रहते हैं और धर्मांध जो धार्मिक कट्टरता की नीति इसके द्वारा अपनाई जाती है।
इसी वजह से सारांश के रूप में कहा जा सकता है ये न तो कोई सफल शासक था न ही कोई उच्च कोटि का आदर शासक रहता है। और जो तुगलक वंश की पतन का कारण है इसे फिरोज शाह तुगलक की नीतियों और कार्यों को बताते हुए इसे ही तुगलक वंश का पतन का जो तुगलक वंश के पतन का उत्तरदायी माना जाता है। बोलिए, यहाँ तक आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, किसी तरह की समस्या हो, शंका हो, तो आप निसंकोच पूछ सकते हो, अपनी बात मुझ तक पहुँचा सकते हो, जो आपके पास प्लेटफॉर्म शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप उसके माध्यम से, और भी किसी तरह की जिज्ञासा और उत्सुकता आपके इतिहास विषय से संबंधित हो आप मुझसे साझा कर सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।